बेमौसम बारिश में रामगढ़ जिले में बर्फबारी ने इतनी तबाही मचाई कि आलू सरसों सहित हरी सब्जियां खेतों में ही पानी की भेंट चढ़ गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आसमानी आफत ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब किसानों को अपनी पूंजी और लोन की चिंता सताने लगी है। उन्होंने सरकार से जल्द मुआवजा राशि की मांग की है। बर्फबारी और बारिश से जहां आलू की फसल, सरसों की फसल में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को, इसी तरह जो हरी सब्जियां हैं, मटर है, टमाटर है, गोभी है, उस पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों को कितना कितना नुकसान हुआ है। जैसे कि प्याज की नर्सरी थी, बैगन का था, मिर्चा का था, तो वो सब छोटा छोटा था, जिसे पत्थर मारने पर वो सारा का सारा खत्म हो गया, जो दोबारा अब हो नहीं सकता है। तो इससे हम लोग को बहुत ज्यादा का ज्यादा नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो आलू में नुकसान हुआ है वो, और सरसों में भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। आलू का नुकसान हो गया, धनिया का नुकसान हो गया, बैंगन का नुकसान हो गया, मिर्चा का नुकसान हो गया, और गोभी को भी नुकसान पड़ गया। और जो ये बर्फ पड़ी ये बरसा में, ये देख रहे हैं छोटे छोटे धनिया यहाँ पर है, जो बहुत ही तरह से मतलब ये नुकसान लगभग 50% लगभग इसमें नुकसान जाएगा। और आलू में भी हुआ है, सरसों में देख रहे, सरसों में भी ये बहुत कुछ इसका फूल मतलब से झड़ गया है। धनिया भी मतलब बहुत ये नुकसान हुआ है, बहुत सारा चीज़ ऐसा जो मतलब कि नुकसान पत्थर से और बारिश से हुई है। धन्यवाद। तो आपने देखा, आपने किसानों के दर्द को सुना। मौसम, बारिश और बर्फबारी ने इनकी पूरी कमर तोड़ दी है। अब इनका आस सरकार की ओर है कि वो जल्द से जल्द इनको मुआवजा दे, और मुआवजा कब मिलेगा इसी की आस में ये बैठे हुए हैं। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।